स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ फैन पे। मैं आपके साथ सिमरन बड़ी जानकारी की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, दरअसल मोदी सरकार होली से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। 16 मार्च को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 16 मार्च को मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा और सैलरी में 20,000 से 2.5 लाख तक का फायदा मिलेगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक AICPI के आंकड़े आने के बाद मोदी सरकार मार्च में 3% महंगाई भत्ता और बढ़ा सकती है। चूंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा CPI इंडेक्स जारी करने के बाद रेटिंग में 0.3% की कमी देखी गई है और दिसंबर 2021 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का आंकड़ा 125.4 पर पहुंच गया है और 12 महीने के सूचकांक का औसत 311.33 हुआ है। बावजूद इसके डीए में 3% की वृद्धि होगी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 10 मार्च के बाद चुनावी नतीजे आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इसके बाद 16 मार्च को मोदी कैबिनेट बैठक होनी है और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार जल्द 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा दे सकती है और महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर खबर से खुद को अपडेट रखने के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ फैमिली पर। शुक्रिया।